हमारे चैनल अलीगढ़ बाजीगर एडवेंचर्स को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। रासम खान हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो कॉलोनी की प्रोग्रेस के ऊपर है। मेरे काफ़ी व्यूवर्स कह रहे थे कि आज़म भाई कॉलोनी की प्रोग्रेस आप नहीं दिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखा दी जाए कि कितने बच्चे निकल गए, कितने अंडे रखे हुए हैं और कितने बजीज अंडे देने वाले हैं, क्योंकि फिर गर्मी आ जाएगी भाई, फिर तो ब्रीडिंग में लूँगा नहीं इनसे, इनकी सारी मटकी और बॉक्स उतार दूँगा। दोस्तों, मैं कॉलोनी के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको पहले मटकी से दिखाऊँगा, बॉक्स से दिखाऊँगा पहली फीमेल ने कितने चिक्स निकाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, ये पहली मादी है, इसने 3 चिक्स निकाल रखे हैं और 4 अंडे पड़े हुए हैं। ये मेरे घर का ही बट्ठा निकला था और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तीसरी इसकी ब्रीड है ये, किसी बार चिक्स निकाले हैं इसने। ये दूसरी मादी है, इसने 3 चिक्स निकाले हैं और 2 अंडे पड़े हुए हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बच्चे पालती है, बहुत अच्छी तरह पालती है, बहुत केयरिंग मादी है ये। आपको दिखाता हूँ मैं, ये एक अंडा पड़ा हुआ है, देखिए इसमें से ही बच्चा निकलने वाला है। ये क्रैक हो चुका है अंडा, ये इसमें शाम तक बच्चा बाहर आ जाएगा। चलिए तीसरी मटकी की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। ये ब्रीडिंग मटकी, इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंडे हैं इसमें माशाल्लाह। इसमें 6 7 7 अंडे इसमें हैं माशाल्लाह, 9 इसमें थे 7 इसमें हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है इसमें। 3 अंडे इसमें दिए हुए हैं, इसमें वाइल्ड बजरी है, वाइल्ड ग्रीन बजरी है, इसमें 3 अंडे हैं, अभी शायद और अंडे देगी है। इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हो रहा है। इसमें माशाल्लाह 5 अंडे हैं, इसमें 5 अंडे हैं, बच्चे निकलने वाले हैं। इसमें देखते हैं इस बॉक्स में क्या हो रहा है। आई थिंक अंडे देने वाली थी मादी इसमें, जी हाँ 3 अंडे दे चुकी है इसके अंदर, और अंडे शायद आगे भी देगी, अभी तो 3 ही है, शायद 4-5 अंडे कर लेगी इसको ये। इसमें दोस्तों इसके चिक्स बाहर आ चुके थे, इसमें एक बच्चा बचा था वो ये है, सबसे छोटा बच्चा ये बचा था, बाकी इसके 4 जो भाई थे वो बाहर आ गए, तो ये 5वां ये था, ये अभी बड़ा नहीं हुआ है और मुझे लगता है इसके बड़े होने से पहले ही मादी इसमें दोबारा से अंडे दे देगी। इसमें देखते हैं दूसरे वाले में, इसमें माशाल्लाह 5 अंडे इसमें हैं, पता नहीं गंदे कर दिए इसने अंडे। इसके अंदर माशाल्लाह 3 अंडे नहीं, 3 बच्चे हैं, 6-7 अंडे पड़े हुए इसमें। इसकी भी बहुत अच्छी रिजल्ट आया सामने। इसमें एक बच्चा है और 3 4 6 अंडे हैं, एक बच्चा और 6 अंडे, और बच्चे निकलेंगे इसमें माशाल्लाह, और सारे अंडे फटाई लग रहे हैं मुझे, सब वाइट हैं बहुत। इसमें 3 बच्चे हैं नहीं, 4 बच्चे हैं इसके अंदर, 4 बच्चे हैं इसमें। ब्रीडिंग बॉक्स में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मटकी के साथ साथ, क्योंकि मटकी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने सोचा आपको दोनों चीज़ों की रिजल्ट दिखाऊँगा कि मटकी और बॉक्स में अच्छी ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या आप ही लोगों के लिए मैंने बॉक्स लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं
ये इसके भी अंडे हैं, ये इसने भी अंडे दे दिए हैं। पहली ब्रीड है सर, ये इसकी पहली ब्रीड है, ये भी अंडे पर बैठी है। इसमें देखते हैं, इसमें काफी बच्चे थे, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें इसमें माशाल्लाह इसके अंदर 8 बच्चे थे इसके अंदर, और 8 अंडे दिए थे और 8 ही बच्चे निकले थे, और 8 ही शायद पल गए हैं। ये मेरी नज़र में अभी पल चुके हैं। अब इसमें से जो मरना होता है बचपन में मर जाता है, इतनी बड़ी उम्र में बहुत कम चांस होते हैं मरने के, तो मेरी नज़र में ये पल चुके हैं सब। देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इस वाले बॉक्स का। देखिए माशाल्लाह, देखिए बॉक्स में फ़ायदा थोड़ा ये होता है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं वो सही से एडजस्ट हो जाते हैं। अब देख सकते हैं 8 बच्चे, पता भी नहीं लग रहे कि कहाँ बैठे हैं वो, सही से इसमें टहल भी रहे हैं वो और सुकून से बैठे हैं, सही से इसमें पर भी मार सकते हैं वो, फ्लाई करने के लिए सीखते हैं इसके अंदर ये। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सब के सब फिट हैं। इसमें 3 बच्चे इसमें हैं और 2 अंडे पड़े हैं, शायद दोनों अंडे तो खराब हो चुके हैं। ये शायद एक आध बच्चा निकल सकता है, वरना अंडे तो खराब हो चुके हैं। 3 ही बच्चे निकले हैं इसमें 5 अंडों में से। अगली तरफ चलते हैं। इसमें 2 अंडे दे दिए हैं मादी ने, और आगे एक अंडों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं 2 अंडे हैं, ये इसका भी अंडों का सिलसिला जारी रहेगा। ये भी अंडे देगी अभी आगे। ये देखिए, ये 2 पट्टे थे, ये दोनों मादी ने एक साथ अंडे दिए हैं और इनका पेयर लग चुका है 2 अलग अलग मेल से। कॉलोनी में थोड़ा ऐसा ही होता है, 2 अलग अलग मेल से इनका पेयर लग गया और दोनों ने मिलकर यहाँ पर अंडे दिए हैं, और इंशाल्लाह ये सब फर्टाइल हो जाएंगे। अभी दोनों मिलकर जब पालती है मादी तो बहुत अच्छा पालती है। ये अपनी मटकी बहुत गंदी करती है, दूसरी ब्रीडर्स की है, ये बहुत गंदी करती है मटकी को, बच्चे भी अपने गंदे कर देती है। ये देख सकते हैं 6 अंडे इसमें है माशाल्लाह, इसमें भी बच्चे निकलेंगे, और जिसमें 5 अंडे फर्टाइल लग रहे हैं मुझे। इसमें माशाल्लाह 2 बच्चे इसके अंदर हैं और बाकी 3 अंडे पड़े। दो नहीं, तीन तीन बच्चे निकले हैं इसमें, 3 बच्चे हैं और 3 अंडे हैं। इसमें भी बच्चे निकलने वाले हैं, बाकी के जो 3 अंडे हैं, एक अंडा इसमें बेकार है, 4 अंडे हैं, 3 अंडे फटाए हैं, एक अंडा बेकार लग रहा है इसमें, वो ख़राब है। इसमें माशाल्लाह देख सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। इसमें कितने सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं इसमें, और 3 अंडे अभी और पड़े हुए हैं। 7 बच्चे हैं, 3 अंडे पड़े हुए हैं और 3 अंडे वो भी फटाए हैं, यानी कि 10 10 बच्चे निकलेंगे इसमें सब मिला के माशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह पालती है मादी, एक भी चिक्स नहीं मारा इसने आज तक, और इसकी 6ठी ब्रीड है इसकी, है हमेशा बच्चे पालती है, और इसी ने ही पूरी कॉलोनी भरी है इस वाली मादी ने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है मेरे यहाँ, और बच्चे भी अच्छे पले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको प्रोग्रेस कैसी लगी, और अगर आपको भी ऐसी प्रोग्रेस चाहिए तो भाई मुझसे आप पूछ सकते हैं, और वरना जो मेरी वीडियोस वगैरह आप देखते हैं उसी में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, कैसे ख्याल रखना है। जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ उसके अलावा मैं अलग से कुछ नहीं करता, जो कुछ है आपके सामने है और रिज़ल्ट भी आपके सामने है, आपको दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें, और अच्छी क्यों नहीं लगी ये भी बता दें, ताकि मैं इसमें कुछ सुधार लेकर आऊँ कि इसमें क्या गलतियाँ रह गई मुझसे।
तो चलते हैं जनाब, अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, फिर आपको मैं प्रोग्रेस दिखाऊंगा ऐसी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।